अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपके सामने हमारे चैनल जस न्यूज के माध्यम से कोरोना वायरस से कैसे बचें और इस वायरस का मेडिकल इलाज क्या है, ये बताने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार का ये वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार जो सैंक्शन हॉस्पिटल गच्चीबौली से ताल्लुक रखते हैं, चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबौली से बोल रहा हूँ। आजकल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाय होम केयर कैसे करेंगे, हमें वो सीखना है। किस चीज़ को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज़ को हम वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे। घर में कोई भी लोग जिनको बीमारी शुरू हो गई है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। जो जो लोग 100.4 डिग्री से ज़्यादा फीवर वाले हैं, उनको किसी भी तरह का वायरल इलनेस होना पॉसिबल है। हर साल होता है, 99% कुछ नहीं होता, ये लोग जनरली रिकवर कर जाते हैं। कोरोना जनरली पहले 3 दिन बढ़ता है, 4th से 7th दिन तक इसमें सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस के, मोशंस के ज़्यादा आने लगते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपको घर में केयर क्या करनी है, सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए, सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डाइटरी डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज़्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स हैं, लिमसी खूब लीजिए, पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजी अवेलेबल हैं। ORS सॉल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए, सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए, जब भी किसी चीज को टच करना है सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है, यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामॉल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं, बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मोंटी लुकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में एक बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम अवॉइड हम जो एडवोकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बात के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इंफेक्शन है जो वो धुल करके जा सकता है, चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं, जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए हैं, खाना खाना बंद कर दिए हैं, या जिनका ऑक्सीजन 90 से कम है। ये आपको आराम से अमेजन पे या ऑन द काउंटर मिल जाता है, 1000 रुपए का, सब लोगों को यूज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए। कब तक रखना है, 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है, फीवर आना बंद हो गया है तो आपको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन रखे तो सेफ है, पर 7 दिन के बाद वो लोग ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं वायरस। वायरस लोड कम हो जाता है 7 दिन के बाद। प्रॉब्लम्स कब आती हैं, 4th दिन के बाद से शुरू होती हैं, तो 4 से 7 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहले 3 दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पैकेट ला के रख लेना है। दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीज, अगर इसको अलाउ साथ में जोड़े तो 2000। आई थिंक सब लोगों के पास घर में ये पूरे सिस्टम होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ORS सॉल्यूशन या नींबू पानी, पैरासिटामोल के टैबलेट्स,
मोंटिल्यूकास्ट और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। फेस मास्क 2 से 3 एक रोज कम से कम, और हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं। बी होम, जो भी इंफेक्टेड है बाहर मत जाइए, घर में रहिए। 7 दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखिए, बच्चों को और बुजुर्गों को अलग रखिए।